Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss with you a very basic and conceptual understanding topic, that is difference between teaching, training and instruction. Okay, it's easy but important too. So टीचिंग एंड मतलब हम बात क्या करनी है, हमको बात करनी है शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर है। देखिए कभी कभी बातचीत करते वक्त या क्वेश्चन का आंसर करते वक्त या समझ में भी हम तीनों को एक ही समझ लेते हैं कि जो शिक्षण है वही प्रशिक्षण है और वही अनुदेशन है, पर ऐसा नहीं है। टीचिंग ट्रेनिंग से भी भिन्न है और इंस्ट्रक्शन से भी भिन्न है, बल्कि आप कह सकते हैं कि टीचिंग एक कुछ कुछ मायनों में ब्रॉडर टर्म है और इंस्ट्रक्शन को तो एटलीस्ट वो अपने में समाहित करती है। तो देखते हैं क्या अंतर है सब में, तीनों में आपस में। तो टीचिंग को अगर हम डिफाइन करें तो बहुत सारी डेफिनेशंस आपको टीचिंग की मिल जाएंगी। एक डेफिनेशन, बहुत पॉपुलर डेफिनेशन ये भी है कि आप जब ज्यादा मतलब नॉलेजेबल व्यक्ति थोड़ा कम नॉलेजेबल या मेच्योर आदमी थोड़ा यंगर बन को कुछ पढ़ाता है सिखाता है तो वो टीचिंग है, ये भी टीचिंग है। और क्या डेफिनेशन टीचिंग की है, टू कॉज टू नो समथिंग, मतलब हम कुछ जानना टू गाइड दी स्टडीज ऑफ जो अध्ययन है उसको गाइड करना, एंड टू इम्पार्ट नॉलेज ज्ञान प्रदान करना, और टू इंस्ट्रक्ट या अनुदेशन। देखिए टीचिंग की डेफिनेशन में भी इंस्ट्रक्ट आ रहा है, और अनुदेशन देना उदाहरण की सहायता से, किसी अनुभव की सहायता से या किसी परसेप्शन की सहायता से, ये भी टीचिंग है। टीचिंग इज यूजली ब्रॉडर इन फोकस देन ट्रेनिंग, फोकस में ये ट्रेनिंग से ब्रॉडर है, यानी कि ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण से इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। इन इट जनरली थियोरेटिकल, और जो हमारी टीचिंग है वो थियोरेटिकल है, जबकि ट्रेनिंग क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। देखिए हम लोगों को हम लैब में ट्रेनिंग मिलती है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है, तो ट्रेनिंग कॉपी किताब पे नहीं हो पाएगी, सिर्फ पेन पेंसिल से नहीं हो पाएगी, पेन पेपर पे नहीं चलेगी, ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लाना पड़ेगा। बल्कि टीचिंग कई मामलों में हम थियोरेटिकल भी बिना हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के भी कंप्लीट कर सकते हैं। टीचिंग क्या है, टीचिंग सीक्स टू इम्पार्ट न्यू नॉलेज, व्हाइल ट्रेनिंग इक्विप्स द ऑलरेडी नॉलेजेबल विद टूल्स एंड टेक्निक्स टू डेवलप अ स्पेसिफिक स्किल सेट। यानी कि टीचिंग हम किसी नए ज्ञान को प्रदान करने के लिए होती है, मतलब टीचिंग या शिक्षण का यह आशय है कि हम आपको कुछ नया बताएंगे, जबकि प्रशिक्षण क्या है कि ऑलरेडी आप नॉलेजेबल हैं, ज्ञान है आपके पास, लेकिन हम किसी उपकरण किसी प्रविधि की सहायता से कोई विशेष स्किल कौशल समुच्चय आपके अंदर विकसित करना चाहते हैं, वो ट्रेनिंग है। गोल ऑफ टीचिंग इज टू एनरिच द माइंड, जो शिक्षण का उद्देश्य है वो आपके मस्तिष्क को एनरिच करना है, जबकि ट्रेनिंग्स एंड इज टू मोल्ड हैबिट्स ऑफ परफॉर्मेंस, जबकि प्रशिक्षण का लेना देना आपकी आदतों और परफॉर्मेंस में सुधार या मॉडिफिकेशन से है। टीचिंग इज यूजुअली विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एकेडमिक वर्ल्ड, जो शिक्षण का लेना देना साहित्यिक एकेडमिकली मतलब जो थियोरेटिकल जो एकेडमिक वर्ल्ड है, जैसे कि क्लासरूम में टीचिंग होती है जनरली, है ना, उस तरह से होती है, जबकि ट्रेनिंग इज जनरली एसोसिएटेड विद कमर्शियल वर्ल्ड, यानी कि हम कुछ कोई मतलब लैपटॉप मोबाइल या आपका कोई गैजेट या आपका कोई इक्विपमेंट उसमें कोई ट्रेनिंग हासिल करना चाह रहे हैं, उसकी हैंडलिंग देखना चाह रहे हैं, तो वो उसका कमर्शियल हो जाता है थोड़ा सा आस्पेक्ट ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का, जबकि टीचिंग का ले देना अकादमिक संसार से है। ट्रेनिंग सीक्स टू फॉर्म बाई इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्टिव और ड्रिल, यानी कि टीचिंग में भी ट्रेनिंग है, सॉरी टीचिंग में भी इंस्ट्रक्शन है और ट्रेनिंग में भी इंस्ट्रक्शन है, यानी कि इंस्ट्रक्शन हम ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ लोअर लेवल का काम है टीचिंग और ट्रेनिंग के कंपेरिजन में, या ये कह रहे हैं ट्रेनिंग क्या है, और टू मेक प्रिपेयर्ड फॉर अ टेस्ट ऑफ स्किल, हम किसी परीक्षण के लिए किसी स्किल के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग यूजुअली हैज अ मोर स्पेसिफिक फोकस देन टीचिंग, देखिए टीचिंग पूरे विषय की होगी पर ट्रेनिंग किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे होगी, तो ट्रेनिंग जो है वो फोकस्ड ज्यादा है, जो टीचिंग है वो ब्रॉडर एस्पेक्ट है और ट्रेनिंग का नैरोअर एस्पेक्ट है, है ना, विच सीक्स टू इंस्टिल अ डीपर नॉलेज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे समय अंतराल तक के लिए वो आपके साथ वो ज्ञान रह जाएगा, इसके लिए हम एक विशिष्ट क्षेत्र पर विशेष फोकस करते हैं प्रशिक्षण। Training on the other hand seeks to help people master a specific skill or skill set until they are able to execute it efficiently. हम कुछ सीख रहे हैं, सिलाई का प्रशिक्षण ले रहे हैं, कढ़ाई का प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो वो तब आपको एक विशेष कौशल पर मास्टरी प्रदान करने के लिए है, और तब तक जब तक कि आप उस कौशल को अच्छी तरीके से कुशलतापूर्वक एग्जीक्यूट करने के योग्य ना हो जाए, है ना। और अब अगर टीचिंग ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन को एक साथ देखें तो टीचिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स है, नेचर में जटिल है। Teachers has to come up with varied instructional materials and use the right strategies in teaching their lessons.
जो शिक्षक है उसको बहुत तरीके की अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है, कई तरीके की स्ट्रैटेजी चुननी पड़ती है अपने पाठ को पढ़ाने के लिए, जबकि इंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ डायरेक्शन देना है। हम क्लास में कह रहे हैं हमने आपको ये इंस्ट्रक्ट कर दिया, आपको मान लीजिए कोई एग्जामिनेशन देना है, उसके पहले हमने आपको इंस्ट्रक्ट किया कि 2 घंटे का एग्जाम है, आप अपने अगल बगल वाले से बात नहीं करेंगे, आप अपनी क्वेश्चन शीट के पहले पन्ने पर ये इन्फॉर्मेशन करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन है, हम सिर्फ आपको दिशा दे रहे हैं। जबकि टीचिंग क्या है, इंस्ट्रक्शनल मेथड, एक ऐसा अनुदेशनात्मक विधि जिसमें कि हम स्टूडेंट के थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को, जो विषय की जो सैद्धांतिक समझ है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। टीचर्स यूजुअली टीचर्स देयर स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम सेटिंग, जनरली हम शिक्षक क्या करते हैं विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में पढ़ाते हैं और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करने का काम करते हैं, मतलब कि उनमें आलोचनात्मक चिंतन प्रोत्साहित हो। In most cases, teaching occurs over a longer period and strives to build a student's knowledge rather than teach them how to do as a certain task. और टीचिंग जनरली उसका लेना देना है कि हमको विद्यार्थी के ज्ञान को बढ़ाना है, उसको ये सिखाना है कि कोई पर्टिकुलर टास्क उसको कैसे करना है। And training is an instructional method that prepares a person to complete a specific task. जबकि training क्या है, एक ऐसा instructional method है जिसमें कि हम व्यक्ति को बताते हैं कि व्यक्ति को तैयार करते हैं कि वो एक विशेष टास्क को कंप्लीट कर सके। ट्रेनर्स यूज ए पर्टिकुलर अप्रोच, जो प्रशिक्षण करता होता है उसकी एक विशेष अप्रोच होती है, वो पार्टिसिपेंट्स को अनुमति देता है कि वो हैंड्स ऑन असाइनमेंट्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करके वो सीखे, बार बार अभ्यास करके सीखे। ट्रेनिंग यूजली अगर्स ओवर ए शॉर्टर पीरियड इन ए वर्क प्लेस सेटिंग, कोई वर्क प्लेस होगा वहाँ पे जैसे ट्रेनिंग कोर्स कैसे होता है 2 महीने का 3 महीने का, मतलब कम ड्यूरेशन का होता है, जबकि टीचिंग आपकी साल भर चलेगी, इस तरह से ड्यूरेशन टीचिंग का ज़्यादा है। And relies on an enthusiastic tone to motivate trainees. Trainer ऐसा काम करता है। तो teaching यानी कि इसका focus जो है वो, इसका विषय जो है वो broadest, सबसे ज़्यादा वो पूरा academic area को cover कर रहा है, वो theoretical है, और training जो है वो practical है, छोटे area को cover कर रहा है और आपने skill develop करने की कोशिश है। और instruction जो है वो सिर्फ अनुदेश, सिर्फ telling, ये करना ये करना ये करना, ये अनुदेशन है, इसमें teaching निहित नहीं है। teaching का part instruction है, इंस्ट्रक्शन के बिना टीचिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन तो इंस्ट्रक्शन सबसे नीचे है, फिर टीचिंग और ट्रेनिंग के तो एरिया अलग है, तो इनकी हायरार्की आप सेट नहीं कर सकते। फिर भी अगर हायरार्की सेट करें तो ट्रेनिंग आएगा फिर टीचिंग आएगा, ठीक है। अब अगर इस तरह से आप टेबुलर फॉर्म में इनका अंतर देखना चाहें तो टीचिंग का लेना देना एकेडमिक आस्पेक्ट ऑफ लर्निंग है, अकादमिक परिक्षेत्र से मतलब है इसका, जबकि ट्रेनिंग क्या है, प्रैक्टिकल शेयरिंग ऑफ स्किल्स टू इम्प्रूव ऑन द लर्नर्स परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपका अधिगम करता है, जो विद्यार्थी है, उसकी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए हम सिखा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया लर्निंग के लिए। जो टीचिंग है इसमें टीचर एम्स एट डेवलपिंग द माइंड ऑफ द लर्नर, यानी कि हम विद्यार्थी का मस्तिष्क में विकास करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि उसको ज्ञान की, नीति की, नियमों की, इथिक्स की और दक्षता की प्राप्ति हो जाए। जबकि ट्रेनिंग में हम क्या चाहते हैं, हम आपका पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं, हम आपकी उत्पादकता बढ़ जाए, आपकी क्षमता बढ़ जाए, आपकी दक्षता बढ़ जाए किसी एक काम को करने के लिए जिसके लिए आपको ट्रेनिंग हासिल करने आए हैं। जो टीचिंग है वो जनरली क्लासरूम में होती है, जबकि ट्रेनिंग जनरली किसी वर्क एनवायरमेंट में होती है। जो टीचिंग है वो ब्रेथ ऑफ नॉलेज इसमें इनकलकेट्स है डिफरेंट स्फीयर्स का, जबकि ट्रेनिंग में इट इंक्लूड्स इनकलकेट्स इन डेप्थ नॉलेज इन ए पर्टिकुलर स्फीयर, एकदम निश्चित है कि हम इस एरिया में, जबकि टीचिंग में डिफरेंट स्फीयर है। टीचिंग में टीचिंग गिव्स पीपल्स न्यू नॉलेज, जो शिक्षण है वो विद्यार्थी को नया ज्ञान देता है, जबकि जो प्रशिक्षण है वो विद्यार्थी का जो पहले से ज्ञान है उसमें कौशल को जोड़ता है। टीचिंग का ब्रॉडर फोकस है, फोकस ब्रॉडर है, और ट्रेनिंग का फोकस स्पेसिफिक स्किल्स पे है। इसी तरह से अगर टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में अंतर देखें तो टीचिंग का काम ओवरऑल डेवलपमेंट से है, जबकि इंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट के लिए, मतलब उसके बहुत छोटे छोटे आयाम हो जाएंगे ना, स्किल के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो स्किल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, मतलब इंस्ट्रक्शन जो है वो छोटा पार्ट है। टीचिंग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को अराउज करता है, जबकि इंस्ट्रक्शन फंक्शनल थिंकिंग को, मतलब हमको ये कहा गया करना है तो हम वो कर रहे हैं। फंक्शनल इसमें सोचने का बहुत ज़्यादा आस्पेक्ट नहीं, पर इसमें सोचना है आपको, आपको बनाना है, थिंकर बनाना है हम आपको। इंस्ट्रक्शन में हमारा काम आपको थिंकर बनाना नहीं है, हमने बस जो कहा वो आपको करना है। टीचिंग में एक नया प्रोडक्ट का मतलब कुछ नया ज्ञान निकल कर आएगा, पर इंस्ट्रक्शन में जो हमने कह दिया ना कि ऐसे ऐसे करना है, आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी या फोटो कॉपी या एज इट इज या डिटो वही चीज निकल कर आएगी। पर टीचिंग में ऐसा नहीं है, हम आपको एवेन्यूज देते हैं, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि आप कुछ नया सोचें। टीचिंग ये बहुत एक खास है, ये बहुत जगह आपको मिलेगा आप जहाँ सर्च करेंगे टीचिंग इंस्ट्रक्शन। टीचिंग इज एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग इज डन, टीचिंग ये शिक्षण ये व्याख्या करता है कि कोई काम कैसे करना है, जबकि इंस्ट्रक्शन इज टेलिंग हाउ समथिंग इज डन।
तो जो अंतर एक्सप्लेनेशन और टेलिंग में है वही अंतर आप कह सकते हैं टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में। एक्सप्लेन करने में सब कुछ आ जाएगा लेकिन बताने में हम सिर्फ बता रहे हैं आपको, उसमें हम आपको समझा नहीं रहे। टीचिंग प्रोवोक्स और इंस्ट्रक्शन प्रिस्क्राइब्स। टीचिंग में हम आपको प्रोवोक करते हैं कि ऐसे करिए क्रिएटिविटी के साथ करिए, नया करिए, बेहतर करिए, और इंस्ट्रक्शन में हम बस आपने हमने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया, आपको प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना है। तो इंस्ट्रक्शन का आयाम बहुत ही संकुचित है और जबकि टीचिंग का ब्रॉड है। तो देखिए मिलते जुलते टर्म्स हैं और हमको ऐसा नहीं है कि ज्यादा हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं इसके बारे में, लेकिन यही है कि जब हम बिना पढ़े जाएंगे, बिना किसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के जाएंगे, तो छोटा सा सवाल भी अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम या तो बस एक दो लाइन में लिखने के बाद हमको अंतर समझ में नहीं आएगा या हम जो लिखेंगे वो भी गलत लिखेंगे। तो इसलिए टीचिंग ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन, कहीं कहीं इंडॉक्ट्रिनेशन भी कहते हैं, इंडॉक्ट्रिनेशन तो बिल्कुल ही मतारोपण है, बिल्कुल आपको मत अपना मत आप पे आरोपित कर देना, वही इंडॉक्ट्रिनेशन है। कभी कभी टीचिंग का कंडीशनिंग से अंतर पूछा जाता है, तो कंडीशनिंग तो लर्निंग है, तो लर्निंग और टीचिंग में जो अंतर है वो टीचिंग और कंडीशनिंग में मोटा मोटा अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक, बट गिव शॉर्ट नोट्स ऑन हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन टीचिंग ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। सो यू हैव टू हैव सम मटेरियल, यू हैव टू हैव सम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।